क्रिकेट दुनिया के सबसे फेमस स्पोर्ट्स में से एक स्पोर्ट है जो हम सभी के दिलों को जोश और एक्साइटमेंट से भर देता है। लेकिन जहां पॉपुलैरिटी बढ़ती है वहीं पैसे और पावर की चाह भी बढ़ जाती है। आज का केस 2000s में हुए एक ऐसे क्रिकेटिंग स्कैम का है जिसने क्रिकेट वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया और कुछ लोगों की माने तो एक प्लेयर की जान भी ले ली। June 1, 2002 साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन हैंसी क्रोनिए एक प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे। वो साउथ अफ्रीका के एक कोस्टल टाउन जॉर्ज के ऊपर उड़ रहे थे जब एकदम से मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया। पायलट ने प्लेन को संभालने की कोशिश की लेकिन वो प्लेन उनके कंट्रोल में ही नहीं आया। इससे पहले कोई भी उस प्लेन से निकल पाता वो प्लेन पास ही के एक माउंटेन से जाकर टकराया और क्रैश हो गया। उस प्लेन क्रैश में हैंसी क्रोनिए की मौत हो गई और इस न्यूज ने साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। हैंसी क्रिकेट दुनिया के सबसे लेजेंडरी प्लेयर्स में से एक थे पर उनकी मौत के 2 साल पहले उनके ऊपर पैसे लेने और मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे थे जिसकी वजह से उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था। अब उनकी अचानक ऐसी मौत के बाद कई लोगों को लग रहा था कि उनके प्लेन क्रैश की वजह शायद वही केस था। इस केस की शुरुआत साल 2000 में हुई थी जब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम इंडियन टीम के साथ कुछ मैचेस खेलने आई थी। उन्हीं दिनों दिल्ली पुलिस सलीम हथेली नाम के एक आदमी से रिलेटेड किसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। सलीम हथेली अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम के लिए फिरौती लेने का काम करता था ताकि अंडरवर्ल्ड के लोग आपको आपका काम शांति से करने दें, इसलिए बड़े सारे बिजनेसमैन अंडरवर्ल्ड को फिरौती देते थे। दरअसल सलीम हथेली ने कुछ बड़े बिजनेसेस को अप्रोच करके उनसे फिरौती मांगी थी और उन ओनर्स ने फिरौती देने की जगह पुलिस को जाकर बता दिया था। दिल्ली पुलिस ने सलीम हथेली और उससे जुड़े कई लोगों के फोन ट्रैक करना शुरू कर दिया ताकि वो डी कंपनी के इंडियन लिंक्स को समझ सकें और पकड़ सकें। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जब सलीम हथेली की इन सारी कॉल्स को ट्रैक कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि सलीम बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती भूषण कुमार के भाई कृष्ण कुमार से रेगुलरली बात करते थे। उस समय भूषण कुमार का मर्डर हो गया था और पुलिस को डर था कि कहीं अंडरवर्ल्ड वापस उसकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए पुलिस ने कृष्ण कुमार का फोन भी ट्रेस करना शुरू कर दिया। 19 फरवरी साल 2000 साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला था। इस मैच से 2 दिन पहले कृष्ण कुमार के बिजनेसमैन फ्रेंड संजीव चावला लंदन से इंडिया आए और ताज होटल में रुके जहां साउथ अफ्रीका की टीम भी रुकी हुई थी। क्योंकि संजीव चावला के पास एक इंडियन नंबर नहीं था तो उनके दोस्त कृष्ण कुमार ने उन्हें अपना वही सिम दे दिया जिसको पुलिस ट्रैक कर रही थी। 2 कांस्टेबल्स संजीव चावला के सारे फोन कॉल्स को सुन रहे थे पर उन्हें उन कॉल्स में अंडरवर्ल्ड का कोई भी कनेक्शन नहीं मिला। उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया कि संजीव उन कॉल्स पर एक आदमी से इंग्लिश में दिन भर बस क्रिकेट की बातें करता रहता है। उन्हीं कांस्टेबल्स में से एक अपने घर में एक दिन साउथ अफ्रीका वर्सेज इंडिया का मैच देख रहा था। मैच के टेलीकास्ट में हैंसी क्रोनिए का इंटरव्यू आया तो अचानक उस कांस्टेबल के होश उड़ गए क्योंकि हैंसी क्रोनिए की आवाज उस आदमी से मिलती जुलती थी जिससे संजीव चावला दिन रात क्रिकेट की बात करता था। पुलिस ने तुरंत दूरदर्शन चैनल से उस मैच की क्लिप्स मंगवाए और हैंसी क्रोनिए की वॉइस सैंपल को उस फोन कॉल की आवाज से मैच कराया। वो दोनों आवाजें एक दूसरे से 100% मैच हो गईं। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों की कॉल्स को और ध्यान से सुना और उन्हें रियलाइज हुआ कि ये केस तो असल में मैच फिक्सिंग का था क्योंकि वो दोनों फोन कॉल पे जो भी बातें करते थे वही चीजें अगले दिन मैच में हूबहू होती थी। 14 मार्च साल 2000 पुलिस उन दोनों के बीच एक कॉल को सुन रही थी जब संजीव ने कॉल पर हैंसी का नाम भी ले लिया। इस फोन कॉल पर हैंसी ने संजीव से कहा कि अगले दिन होने वाले मैच में निकी बोय, हर्षल गिब्स और पीटर स्टर्डियम जो कि काफी अच्छे क्रिकेटर्स थे 20 से ज्यादा रन नहीं बनाएंगे और इंडिया भी बैटिंग में 248 रन से ज्यादा नहीं बनाएगा। अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ और साउथ अफ्रीका के वो प्लेयर्स 20 से कम रन बनाकर आउट हो गए। पुलिस ने सारे सबूत होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया
और उस क्रिकेट सीरीज के खत्म होने का इंतजार किया। सीरीज के बाद पुलिस ने एक केस फाइल किया और उन सारी कॉल्स को प्रूफ की तरह मीडिया के सामने पेश किया। इस केस ने इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों में ही हंगामा मचा दिया। 8 अप्रैल साल 2000 यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका की ऑफिशियल स्टेटमेंट आई, जिसमें हैंसी क्रोनिए ने इन सभी सबूतों और मैच फिक्सिंग के केस को झुठला दिया। लेकिन हैंसी की स्टेटमेंट का किसी पर कोई असर नहीं हुआ और साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उनके अगेंस्ट एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई। हैंसी के ऊपर हर तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगा क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ थे। 11 अप्रैल को हैंसी क्रोनिए को साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने कन्फेस किया कि वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं थे और उन्होंने संजीव चावला से कई डील्स की थी। उसी साल 7 जून को इंक्वायरी कमीशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, जिसमें पता चला कि हर्षल गिब्स, स्पिनर हेनरी विलियम्स और साथ में साउथ अफ्रीका के कुछ और प्लेयर्स को हैंसी द्वारा पैसे ऑफर किए गए थे। इसके बाद ये भी पता चला कि हैंसी ने सिर्फ साल 2000 के मैचेस नहीं फिक्स किए थे, बल्कि वो कई सालों से कई मैचेस फिक्स करते आ रहे थे। 1996 में नागपुर में हुए इंडिया के टेस्ट मैच को फिक्स करने के लिए इंडियन टीम के मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैंसी की मुलाकात एमके गुप्ता नाम के बुकी से भी कराई। इस स्टेटमेंट के बाद इंडियन क्रिकेट फैंस गुस्से से पागल हो गए। फैंस का बढ़ता गुस्सा देखकर ये केस सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई की टीम सबसे पहले हाथ धोकर एमके गुप्ता को ढूंढने में लग गई। कुछ ही दिनों में सीबीआई ने एमके गुप्ता को ढूंढ निकाला और उसको इंटेरोगेट करना शुरू कर दिया। पहले तो एमके गुप्ता ने उन्हें कुछ नहीं बताया और बस यही कहता रहा कि अगर उसने उन्हें कुछ भी बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। लेकिन सीबीआई के रीअश्योर करने के बाद उसने उन्हें जो बताया उससे इंडियन क्रिकेट में हो रही मैच फिक्सिंग का सारा पर्दा फाश हो गया। उसने बताया कि 1988 तक वो बस एक बैंक का नॉर्मल एम्प्लॉई था, मगर उसके बाद जब उसने बैटिंग करनी शुरू की तो अंडरवर्ल्ड के डॉन्स ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया और उसे अपने यहां काम पर रख लिया। एमके अब अंडरवर्ल्ड के लिए मैच फिक्सिंग और बुकिंग्स करता था। एमके गुप्ता ने इस केस में कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम लिए जिन्हें सुनकर पूरा देश शॉक में आ गया। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो कि इंडिया के कैप्टन थे, नवजोत सिंह सिद्धू, मनोज प्रभाकर, यहां तक कि इन्वेस्टिगेशंस में कपिल देव का भी नाम आया। वहीं पुलिस को ताज होटल में कुछ लॉकर्स भी मिले जिसमें अजहर के साथ बाकी क्रिकेटर्स के पैसे जमा किए जाते थे। सीबीआई ने अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के सामने पेश की और सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची कि इंडिया में बहुत ही बड़े लेवल पर मैच फिक्सिंग की जा रही है। बीसीसीआई ने उन सब क्रिकेटर्स पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जिनका नाम साफ साफ बीच में उठ रहा था, पर करप्शन की वजह से सारे क्रिकेटर्स जो इस स्कैम में इन्वॉल्व थे बच गए। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका ने भी अक्टूबर 2000 में हैंसी क्रोनिए पर हमेशा के लिए क्रिकेट खेलने से बैन लगा दिया और फिर 2 साल के अंदर अंदर हैंसी क्रोनिए की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। क्या इसके पीछे भी कोई क्रिमिनल था? क्या इसके पीछे अंडरवर्ल्ड था? क्या हैंसी क्रोनिए किसी और बड़े इंसान का नाम रिवील करने वाला था इसलिए उसे इस ढंग से मार दिया गया? न जाने कितने क्रिकेट प्लेयर्स उस समय इस मैच फिक्सिंग स्कैंडल का हिस्सा थे जिन्होंने केवल अपने आप को नहीं बेचा बल्कि अपने देश को बेच डाला, उन तमाम फैंस का भरोसा तोड़ा जो इस गेम के लिए अपना दिल छिड़कते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब पूरी तरह से ये सब बंद हो चुका है और आगे आने वाले सालों में भी ऐसा कोई स्कैंडल हमें देखने को नहीं मिलेगा। और इस वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को बेस्ट विशेस। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्कैंडल के ऊपर वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में हमें उस स्कैंडल के बारे में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए द क्राइम शो बाय कुनी मंडे को।